क्या आप मानते हैं कि भारत में घूमने की सबसे बेहतरीन जगह है केवल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या राजस्थान तक सीमित है? अगर हाँ, तो आपको अपने विचारों पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, जो ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों का गढ़ है, अब तेजी से एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये राज्य न केवल अपने अद्वितीय धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, बल्कि अब एक आधुनिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश, जो भारत के हृदय में स्थित है, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी से लेकर अयोध्या और मथुरा तक ये राज्य भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का सजीव चित्रण करता है। हाल ही में राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह के अनुसार, इस साल की शुरुआत से अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखा गया है। वर्ष 2023-24 के पर्यटन आंकड़ों के अनुसार राज्य में पहले 6 महीनों में 32 करोड़ 98 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत किया। इनमें से 11 करोड़ से अधिक पर्यटक केवल अयोध्या आए। इससे स्पष्ट है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और रामलला की प्रतिष्ठा ने इस शहर को एक प्रमुख धार्मिक स्थल बना दिया है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद यहाँ के धार्मिक महत्व ने वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित किया है। ये शहर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ के मंदिर और धार्मिक उत्सव हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के साथ अयोध्या का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। अयोध्या की संकरी गलियों और घाटों की शांति और धार्मिकता पर्यटकों को एक अलग अनुभव प्रदान करती है। इसके बाद वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर शाम गंगा आरती का अद्भुत दृश्य एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इस साल 4,61,00,000 से अधिक पर्यटक वाराणसी आए हैं। गंगा नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त के समय की आरती देखना एक यादगार अनुभव होता है। ये शहर न केवल धर्म का प्रतीक है, बल्कि यहाँ की गलियाँ और बाजारों में भारतीय संस्कृति की समृद्धता देखी जा सकती है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भी एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल बन चुका है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित इस शहर में 4,53,00,000 पर्यटक आए हैं। प्रयागराज का संगम स्थल और यहां होने वाला कुंभ मेला दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस शहर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ के मंदिरों और उत्सवों ने 3,07,00,000 पर्यटकों को आकर्षित किया है। मथुरा की गलियों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का एहसास करना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है। यहाँ की होली, जन्माष्टमी और अन्य उत्सव पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी पर्यटन के मामले में किसी से कम नहीं है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें जैसे बड़ा इमामबाड़ा, घंटा घर और रूमी दरवाजा इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। लखनऊ ने 3,51,00,000 पर्यटकों का स्वागत किया है। यहाँ का स्वादिष्ट खाना और अदबी परंपरा इसे और भी खास बनाती है। आगरा, ताजमहल का घर, भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ताजमहल की खूबसूरती और प्रेम की कहानी ने 76,00,000 से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया है। ताजमहल के अलावा आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उत्तर प्रदेश के बढ़ते पर्यटन को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को वर्चुअल माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना बनाई जा रही है। लखनऊ और प्रयागराज के 1500 स्थलों का 360 डिग्री डेटा इकट्ठा कर उसे मेटावर्स सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि पर्यटक वर्चुअली इन स्थलों का दौरा कर सके। इसके अलावा QR कोड बेस्ड ऑडियो टूर की भी योजना है, जिसमें पर्यटक प्रदेश के 100 प्रमुख स्थलों के बारे में सुन सकते हैं। इस तकनीकी पहल से उत्तर प्रदेश का पर्यटन और अधिक समृद्ध होगा और राज्य की विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी पहचान मिलेगी।
उत्तर प्रदेश अब केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं रहा, बल्कि अपने विविधता भरे स्थलों, आधुनिक तकनीक की पहल और सांस्कृतिक धरोहर के साथ एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश की यात्रा न केवल आपको ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराएगी, बल्कि आपको भारतीय संस्कृति की गहराई का अनुभव भी कराएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।